तुम्हारी गांव का जो यहाँ पे रहने वाली है इसका बेड़ा गर्क जो है वो भैंस के दूध ने किया। उसने कहा मुझे ये बताओ किसी वलीउल्लाह ने, किसी पीर ने, किसी कुरान पाक ने, किसी किताब में, किसी में भैंस के दूध की तारीफ आई हो? हमारा रिकॉर्ड है कि हमने आज तक किसी पे हमला नहीं किया। मुझे गोरे ने कहा कि पाकिस्तानी जो है ना ये काम नहीं करते या जो करना चाहते हैं वो नहीं करते। उसने मुझे पंजाबी की ख़ास तौर पर पाकिस्तानी की एक अमूमी निशानी बताई। उसने कहा आप बाज़ार में खड़े होकर देख लें, आपको दो पाँव पे खड़ा बंदा नज़र नहीं आएगा। कभी ये राइट पाँव पे हो जाएंगे, कभी ये लेफ्ट के ऊपर हो जाएंगे, कभी पीछे मोटरसाइकिल का सहारा ले लेंगे, कभी दीवार के साथ। दुनिया में चार रेसेस हैं, ब्लैक, येलो, वाइट एंड फोर्थ इज द एम्बर नेशन, जो हम गंदमी हैं। अल्लाह ताला ने काले को जो ब्लैक नेशन है उसको ताकत बड़ी दी, बहुत सारी ताकतें उसको, जोर गेम्स में, जंप में, रेसें लगाने में, भागने में, मार कटाई में वो बड़ा आगे है। गोरे को उसने इंटरप्रेट करने की और दो चीज़ों को मिला के तीसरी चीज़ को पेश करने की या साइंटिफिक रीजनिंग की या मिल के काम करने की बड़ी सलाहियत दी। वो चार लोग बैठ के ये नहीं सोच रहे होते कि हमने तीन को निकालना कैसे है, वो काम कर रहे होते हैं। हम चार जब मिलते हैं हम सोच रहे होते हैं इन तीनों को निकालना कैसे इस बिजनेस में से। गोरे को अल्लाह ताला ने विजन और चीज़ें और समझ और नई तहकीक का बड़ा मादा दिया। हमें भी था कभी, लेकिन वो ख़त्म हो गया। तीसरी जो है ना वो येलो नेशन, इसकी बड़ी क्वालिटी ये थकते नहीं है। 16-16 घंटे जो है ये काम करते हैं, 16-16 घंटे काम करते हुए थकते नहीं हैं। ये कॉपी के माहिर हैं, ये कॉपियाँ करते हैं, एक चीज़ को देख के वैसे ही बनाते हैं। अब चौथे नंबर पे आ गई एम्बर, जिनके पास ना तो काले जैसी ताकत थी, जिनके पास ना गोरे जैसा जेन था। नाराज़ होंगे लेकिन मानने वाली चीज़ है, अगर नहीं मानेंगे तो हमारी आखिरी जात लोटा है, वो आपको भी पता है। अच्छा, गोरे जैसी जहानत नहीं थी, उस जैसा विजन नहीं था। हमारे हकीम इलम लेके मरते रहे, उनके हकीम जो थे चीज़ों को रजिस्टर्ड करा के पूरी दुनिया के अंदर ब्रांड देते रहे, हम छुपाते रहे, वो मशहूर कर करके अमीर होते रहे। और आखिरी नाम में फीने जैसी एक जगह पे काम करने की सलाहियत थी। और गोरे की रिसर्च के मुताबिक हम एक जगह टिक के काम नहीं कर सकते, आधे घंटे बाद या हमें सिगरेट की ज़रूरत होती है या चाय की ज़रूरत होती है, या हम फ़ोन पे किसी ना किसी को किसी फूफी की शिकायतें लगाते हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं, फिर जाके हमें सुकून आता है। अब गोरे का कहना था कि आपके ख्याल में बताएं कि क्या वजह। मैंने उसको 20 वजह बताई, गर्मी बड़ी होती है, कभी सर्दी पड़ती है, हमारी खुराक सही नहीं है, हमारा फलां सही नहीं है, मौसम नहीं ठीक है, सियासतदान अच्छे नहीं है। मैंने 20 वजह उसको बताई, वो उसका खैर वो काफ़ी बड़े सर वाला था, वो सर लाता रहा नो। आखिरी रीज़न जो उसके मुताबिक, मैं उससे कुछ हद तक वैसे पार्शली एग्री भी करता हूँ, उन्होंने कहा मिस्टर संधू द ओनली थिंग विच आई थिंक अबाउट योर नेशन इज द बैफलो मिल्क। तुम्हारी गांव का जो यहाँ पे रहने वाली है इसका बेड़ा गर्क जो है वो भैंस के दूध ने किया। उन्होंने दुनिया के 187 मुल्क हैं, सिर्फ 3 मुल्कों में दूध पिया जाता है भैंस का, और ये पट्टी में तीनों मौजूद हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं डफर भी हैं भैंस की तरह, स्लगिश भी हैं, सुस्त भी हैं, काम करने पे आमादा भी नहीं है। उसने कहा मुझे ये बताओ कि इल्हामी किताबों, किसी वलीउल्लाह ने, किसी पीर ने, किसी कुरान पाक ने, किसी किताब में, किसी में भैंस के दूध की तारीफ आई हो? अब मेरी सर लाने की बारी थी, नहीं आई। उसने कहा तुम्हारे नबी ने किसका दूध पिया था? मैंने उसे कहा जी वो ऊँटनी का पीते थे। और उन्होंने कहा चराई क्या चीज़ें थी, उन्होंने क्या चीज़ पाल के? मैंने कहा भेड़ें और बकरियाँ चराई थी, बकरी का दूध पीते थे। जिस जानवर के साथ रहा जाए, जिसका गोश्त दूध पिया जाए, आप में उसकी मुशाबहत आती है। ये साइंस आज साबित कर रही है, ये जेनेटिक्स आज साबित कर रही है। आपके जीन्स के ऊपर बेशुमार डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने अगर ये मेडिसिन खा ली है तो जब तक अगले 40 दिन तक आपके नए ब्लड सेल्स पैदा नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक इस मेडिसिन का असर नहीं जाएगा, ठीक है? तो जब हम भैंस का दूध पी के तो ज़्यादा काम करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो आप नहीं कर सकते। बिलीव मी, एक बच्चे को बकरी के दूध पे पाल के देखें, मैंने किया, मैंने तजर्बा किया, अपने घर में किया है। बकरी वाले बच्चे कुछ और तरह के, भैंस वाले कुछ और तरह के, ठीक है जी। और भैंस का अच्छा ये ना करें कि हमने चूँकि बड़ा सा भैंस का दूध पी लिया तो अब हम ज़ाया हो चुके, ऐसा नहीं है। 40 दिन पिए, 40 दिन के बाद आप में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। अगर आप झगड़ालू, लड़ाके, तंदखू, बदला लेने वाले, कीना परवर बनना चाहते हैं तो ऊँट का दूध पीना शुरू कर दें। आप
इस रियलिटी आप मुड़ के देखेंगे दूसरे को जिसने गाली, उसको पकड़ लेंगे जाके, उसको छोड़ेंगे नहीं, कमज़ोर भी होंगे उसको दबोच लेंगे। जिस खित्ते में हम रह रहे हैं हमारा रिकॉर्ड है कि हमने आज तक किसी पे हमला नहीं किया, बल्कि कुछ माजी के हुक्मरान लिखते हैं कि हमने इनसे ज़्यादा बेगैरत कौम नहीं आज तक देखी। इस बात पर बहुत लोग मेरे से नाराज़ भी होंगे, लेकिन वो बुक में लिखता है, वो कहता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो कहता है जब आप मैं फ़ौज लेके पहुंचता था तो ये अपने गांव से इलाके से ढोल बजाते बाहर निकलाते थे, तो मैंने कहता था मैं तुम पे हमला करने आया हूँ, मैं तुम्हें मारने आया हूँ, तो वो कहते थे जी साड़ी किताब जी लिखिया सी, हमारी किताब में लिखा था कि तुमने आना है, हम तो 300 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि तुमने आना है, कहता फिर मैं उनको मारता। तो मतलब हमने हर हमलावर को अपना निजात दहिंदा समझा। एक बच्चों की ना छोटी सी वीडियो मूवी है मिनियंस के नाम से, करेक्टर भी है और मिनियंस भी है, आप उसके पहले 3 मिनट देख लें, हमारी कौम की पूरी आपको साइकोलॉजी की समझ लगे। पहले 3 मिनट मिनियंस अपना लीडर बनाते हैं, लीडर को कुछ आगे लेके चलते हैं, उसको बड़े लीडर से मरवाते हैं, फिर जिससे मारा होता है उसको अपना लीडर बना लेते हैं, और उनकी अजल से पहले दिन से लेके एंड तक उनकी यही स्टोरी चल रही है मिनियंस की, वी पीपल आर द मिनियंस। बड़ा गुस्सा करेंगे मुझे, बेशुमार लोग कहते हैं कि हमने इस्लाम को ये कर दिया, हमने फतूहात की, हमने ये किया, एज सब कॉन्टिनेंटल पीपल हमने कहीं भी हमला नहीं किया, हमने कहीं फतूहात नहीं की, हमने किसी, ये बड़ी तलख बातें हैं, बराए मेहरबानी अपनी इजादात से चीज़ों से बाहर निकलें, अपनी भैंस से मोहब्बत छोड़ें। भैंस जो है वो हमें कोई अल्लाह ने या उसके रसूल ने नहीं दी थी कि जी आपने इसका, हमारी सबसे लंबी सूरत भी कुरान पाक की जो है वो गाय के ऊपर है, सूरह बकरा जो है, या तो उसको सूरत माज कर लें, नौजबिल्ला मैं कभी वैसे वैसे बात कर रहा हूँ, बात को गुस्सा कर जाएं, कि भैंस जो है उसकी कहीं पे तारीफ नहीं है, उसकी कहीं, पहला काम ये जो आसान काम है। नंबर टू, वो तमाम चीज़ें जो आप खुद खाना चाहते हैं हकीम आपको रिकमेंड करता है, जो हर्बलिस्ट, मैं हर्बलिस्ट बोलूँगा हकीम से, बहुत सारे लोग कहते हैं हकीमों की बताया गया, हर्बलिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं, वो हर्ब्स अपने बकरी को खिला दें और बकरी का शाम को 1 लीटर दूध खुद पी लें, उसको बकरा खिलाएं, उसको अकरकारा खिलाएं, आप में जो मर्दानगी की कमी है ना इस कौम में वो सारी पूरी हो जाएंगी। आप उसको वो खिलाएं, आप बकरा खिला के उसका दूध पी लें, आपके अगर जोड़ों में दर्द रहेगी मुझे बताइएगा, आपकी एक्टिवनेस चेंज हो जाएगी। मैं जापान में रहा, मैंने जापान में जाके देखा, मैंने उनकी 90-90 साल की खवातीन जॉगिंग करती हुई देखी, 100-100 साल की लड़कियाँ, मैं 100-100 साल की लड़कियाँ कहूँगा, वो बड़ी माइंड करती थी, मैंने उससे उम्र पूछी तो मुझे कहती है मैं अगर अपना ध्यान नहीं रखती तो लगती ज़्यादा हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरी उम्र जो है ना वो 90 साल है, मैं लगती ज़्यादा हूँ लेकिन मेरी उम्र 90 साल की है, तो मतलब वो 90 साल की उम्र में भी कॉन्शियस थी कि मेरी उम्र जो है ना ज़्यादा लग रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि रीज़न, उन्होंने 2 रीज़न्स मुझे बताई, मैं बड़ा इंप्रेस। एक तो उन्होंने कहा जी हम हर्ब्स खाते पीते सब कुछ, दूसरा उन्होंने कहा जी हम बीन्स खाते हैं, स्प्राउटेड बीन्स, बीन स्प्राउट्स द आइडियल थिंग फॉर द, आप तमाम खुराक छोड़ दें ये खा लें, 7 दिन के बाद आप फील करेंगे आप नए इंसान बन रहे हैं। उगते हुए बीन्स खाना मुगल खाया करते थे, बड़े बादशाह खाए, आज के जितने बादशाह जिनसे मेरा ताल्लुक है मैं सबको देखता हूँ, वो सारे के सारे बीन्स स्प्राउट्स खाते हैं। तमाम पढ़े लिखे जो CSPs हैं, कमिश्नर्स हैं, तमाम वो तमाम लोग बीन्स स्प्राउट्स खाते हैं और अपनी उम्र से 10 साल छोटे नजर आते हैं, एक्टिव हैं, ठीक है जी। तो ये आदतें अपनाने से हम एज अ नेशन तेज हो सकते हैं, हमारी सोचने की, जब मैं मान लेता हूँ पहले ही बड़े तेज़ हैं लेकिन मज़ीद बेहतर हो सकते हैं, ठीक है हमारी अच्छा ना हमें कालो जैसी ताकत, ना फिनो जैसी काम करने की सलाहियत, ठीक है जी, और ना ही हमें क्या नाम लेते हैं गोरे जैसी वो अहलियत सारी चीज़ें लिखने की शेयर करने की। हमारे हकीम तो वो सारे इलम साथ लेके सीने में मर गए, मरते हुए अपने बच्चे को बताऊँगा। हमारे हकीम को पता था कि लिवर का बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो सिलीमरीन में है, जिसको के मिल्क थिसल कहते हैं, जिसको के उर्दू में ऊंट कटारा कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में हर गंदम के खेत के बाहर पाया जाता है, जो कि माइयाँ बुढ़ियाँ उड़ती हैं उसके अंदर जो बीज होता है उसके छिलके के अंदर जो जहर मौजूद है वो सिलीमरीन है। हमारे हकीम को आज से 1200 साल पहले पता था, जो कि वो हाइड करता है छुपाता है अपने बच्चों को, आज एबट की और तमाम जो गोलियाँ उसके अंदर वो सिलीमरीन डाल रहे हैं, वो कहते हैं लिवर फट ना गया हो ये वापस ले आता, और आज भी उसके ऊपर लिखते हैं मोड ऑफ एक्शन इज स्टिल अननोन, मोड ऑफ एक्शन इज स्टिल अननोन, लेकिन आपके लिवर को, शराबी से शराबी आदमी और बीमार से बीमार आदमी लिवर का, ये अगर खाना शुरू करता है तो उसका लिवर जो है वो 1 हफ्ते 15 दिन में वापस आ जाता है। हर्ब्स के
जी दुध भी होंगे, लेकिन मैं गल कर रहा हूँ अंदर जो माई बुढ़ी के छोटा जहा दाना होंगे ना बीज, बीज हवा ना लेके बिल्कुल बीज के छिलके जहर है जो अल्लाह पाक ने रखे है उन्होंने सिलमरीन कहते हैं। गूगल तुहाड़े कोल मौजूद है एक उपर लिखे जी इसके उपर मिल्क थिसल, मिल्क थिसल आपको बताएगा क्या इलाज है उसका। बताने का मकसद है कि हम छुपाने के आदि, हमारे में चारों क्वालिटी जो तरक्की वाली थी वो मौजूद नहीं थी। हमने क्या किया, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा चीज़ पता क्या थी, इखलाक। हमें क्या चीज़ थी, हमें ख्वाहिशात सबसे ज़्यादा थी। हम सोचते थे कि यार फलां बंदा अगर रातों रात सोया उठा गवर्नर बन सकता तो मेरे में क्या कमी है, मैं नहीं बन सकता। मतलब MNA से नीचे तो हम खड़े नहीं ना होते जी। हम कहते हैं जी सुबह उठें तो हम गवर्नर बने हो, हम MNA बने हो, हम फलां चीज़ बने हो। ख्वाहिशात बड़ी हैं, काम नहीं करना, ख्वाहिश रखनी है। तो उस फीनी खातून ने मुझे कहा कि हमें दो चीज़ें, एक तो हम हर्ब्स खाते हैं, हम दूध जो है वो रॉ पीते हैं। कभी आज तक किसी बच्चे को माँ का दूध किसी ने उबाल के दिया हो तो भैंस अपने बच्चे के लिए अच्छा दूध देती है, बकरी अच्छा दूध देती है। उबालें तब जब आपको पता हो कि मुझे इसका सोर्स का नहीं पता, बीमार ना हो कुछ और। अगर आपकी भैंस और चीज़ हेल्दी है, मैं बड़ा यकीन रखता हूँ कि कच्चे दूध की कुछ और ही तासीर है। हम जो महलूल पीते हैं वो कुछ और है, या फिर उसको आप पैस्चराइज करें, उसको उबालें मत। और आखिरी चीज़ जो बड़ी कमाल की उस फीनी खातून ने, उस जैपनीज़ ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल खातून ने मुझे बताई,